हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बांट और नीड का यूज। हिंदी में इसका मतलब होता है बांट मीन्स चाहना और नीड मीन्स ज़रूरत या आवश्यकता। तो सबसे पहले बांट का मतलब देखते हैं क्या होता है। बांट मीन्स होता है चाहिए या चाहता। जब प्रेजेंट की बात होगी तो चाहता हूँ, इस तरह की आवाज़ आएगी। तो स्ट्रक्चर इसका रहेगा सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पर यस लगेगा, और जब बहुवचन होगा तो उसमें सिर्फ वांट लगेगा। तो एग्जाम्पल को बना के देखते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है, सोनम को एक मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सोनम, तो सबसे पहले सोनम लिखेंगे, यस ओ एन ए एम, सोनम हो गया। अब मोबाइल चाहिए तो चाहिए के लिए हमें वांट लगाना पड़ेगा और इसमें यस जोड़ देंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, किसी का नाम है तो इसमें यस लगेगा। सोनम को एक मोबाइल चाहिए, वांट्स ए मोबाइल, एम ओ बी आई एल ए मोबाइल। तो इस तरह से पहला कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, मुझे एक पेन चाहिए। मुझे के लिए हमें आई यूज करना पड़ेगा, आई के साथ वांट लगाएंगे और इसमें यस नहीं जोड़ा जाएगा। ये प्रेजेंट वाले हैं तो इसमें सिंपल है सेंटेंस, इसमें वांट्स में यस नहीं जुड़ेगा। और एक पेन है तो इसके लिए लिखेंगे ए पेन, ए पेन। अगला है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। तो उसे के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ही या फिर सी, लड़की होगी तो सी और लड़का होगा तो ही। और मदद चाहिए तो वांट्स मीन्स चाहिए, डब्ल्यू ए एन टी एस, वांट्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सेड तो वांट्स योर हेल्प, योर हेल्प मीन्स मदद होता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखते हैं अगला। देखिए, ये लिखा है सेकेंड केस, इसमें वांटेड है। वांटेड का मतलब होता है चाहिए था। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए था आ जाए तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगेगी। ए बांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वांटेड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे या रेस्ट पार्ट, आगे जो भी होगा वो लिखना होगा। तो पहला एग्जांपल लिखा है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, सब्जेक्ट, फिर वांटेड, ये सेकेंड फॉर्म है वांट की। पास्ट वाले में सेकेंड फॉर्म लगानी है वांटेड, योर तुम्हारा प्यार, तो योर लव, कंप्लीट। अब नेक्स्ट है, उन्हें कार चाहिए थी। उन्हीं के लिए हम दे यूज करेंगे, दे वांटेड, डब्ल्यू ए एन टी ई डी, वांटेड ए कार, ये लिख दीजिए। और कार यहाँ पर सीधे कार भी लिखते थे तो वो भी सही था। उसे लैपटॉप चाहिए था, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगी, पास्ट में सेकेंड लगती है। उसे के लिए ही लिखेंगे या फिर सी भी लिखेंगे, आपके सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ही वांटेड, डब्ल्यू एन टी ई डी, सेकेंड फॉर्म लग गया। और लैपटॉप, तो ये लैपटॉप, एल ए पी टी ओ पी, लैपटॉप। तो इस तरह से बन गया। अब देखते हैं वांट्स टू का यूज। वांट टू का मतलब हिंदी में होता है चाहता है। ये सब प्रेजेंट में यूज होते हैं। जिन सेंटेंस के लास्ट में चाहता है या चाहता हूँ, इस तरह के वर्ड आ जाएँ तो वहाँ पर वांट टू लगाएंगे। यहाँ पर हमें एक्शन वर्ब भी साथ में लेनी है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, सब्जेक्ट वांट टू या फिर वांट्स टू। ये वांट्स लगेगा सिंगुलर में, और जब बहुवचन होगा प्यूरल तो उसमें वांट टू लगेगा, सिर्फ यस नहीं जोड़ना होगा। फिर अदर वर्ड लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में रहेगी। यहाँ पर वर्ब दो हो जाएंगे, वांट तो रहेगा और एक्शन वर्ब भी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, वह घर जाना चाहता है तो ही लिखेंगे, वांट, यहाँ पर यस लगेगा तो वांट्स टू हो जाएगा, और फिर गो लिखेंगे, फिर होम हो जाएगा। तो यहाँ पर बनाएंगे, वह घर जाना चाहता है, ही वांट्स। देखिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यस लग जाता है वांट्स में, वांट्स टू गो होम, गो होम। यहाँ पे टू नहीं यूज करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं गो टू होम लिखा जाता है,
वो सही हो सकता है, लेकिन टू हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि घर में जाकर हम बहुत से कार्य करते हैं। कोई पर्टिकुलर काम करना होता है तो टू लगाते हैं। जैसे हमें स्कूल जाना है तो गो टू स्कूल लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने जाते हैं, घर में तो खाना खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो इस तरह से होता है। तो जहाँ ढेर सारे काम होंगे तो वहाँ टू नहीं लगाना है। अगला देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें वांट लिखेंगे, इसमें यस नहीं लगाएंगे, वांट टू। अब देखिए बात करना की टॉक होती है तो टॉक लिखेंगे और आपसे है तो टू यू हो जाएगा, टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले वी लिखेंगे, बी स्ट्रक्चर के हिसाब से वांट लगाएंगे क्योंकि आपने सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं उनको अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ पे यस नहीं लगाना है। वांट टू, सीखना की होती है लर्न, एल ई ए आर एन लर्न, और इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एच कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला केस। देखिए वांटेड टू का यूज होता है पास्ट में जब सेंटेंस के लास्ट में चाहता था या चाहती थी आ जाए। इसमें हमें एक्शन वर्ब साथ में लिखना होगा, वो भी फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमें क्या करना है, इसमें जिस सेंटेंस लिखा है ये पास्ट के लिए बात हो रही है, वह यहाँ आना चाहती थी, तो इसमें वांटेड लगेगा, ये सेकेंड फॉर्म चाहने की लग जाएगी और टू साथ में लगेगा। तो इसको बनाएंगे, सी वह यहाँ आना चाहती थी, सी वांटेड, डब्ल्यू ए एन टी ई डी वांटेड, टू साथ में रहेगा, शी वांटेड टू कम हेयर, ये सेकेंड फॉर्म लिख, ए फर्स्ट फॉर्म है कम हेयर, शी वांटेड टू कम हेयर, वह यहाँ आना चाहती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपकी मदद करना चाहता था, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, चाहता था के लिए वांटेड, डब्ल्यू ए एन टी ई डी वांटेड, टू हेल्प यू, आपकी मदद है तो हेल्प यू हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपसे मिलना चाहता था, तो आई वांट टू मीट यू, एम डबल ई टी मीट यू, यहाँ पे ई डी लगाइएगा क्योंकि आपसे मिलना चाहता था, ये सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो आई वांटेड टू मीट यू, इस तरह से बन जाएगा। अब देखते हैं नीड वाला है। देखिए नीड का मतलब हिंदी में होता है ज़रूरत है। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ज़रूरत है या आवश्यकता है तो वहाँ पर हमें नीड का यूज करेंगे, और इसमें यस भी लगता है वर्ब में, जब सिंगुलर होगा तब यस लगेगा, नहीं तो जब बहुवचन होगा तो उसमें नीड सिर्फ लिखेंगे, और सब्जेक्ट नीड अदर वर्ड। लिखा है मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है इस समय की, तो यहाँ पर लिखेंगे आई नीड, यहाँ पे एन डबल ई डी नीड हो जाएगा, मनी एम ओ एन ई वाई, यहाँ पर यस नहीं लगेगा क्योंकि आई के साथ सिर्फ नीड लिखा जाएगा, तो आई नीड मनी। नेक्स्ट है मुझे एक पेन की ज़रूरत है, तो आई नीड एन डबल ई डी नीड अ पेन, कंप्लीट। आप देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर लिखा है रोहित को एक किताब की ज़रूरत है, तो इसमें यस लगेगा, तो रोहित हो जाएगा आर ओ एच आई टी रोहित नीड, इसमें यस लगा दीजिए, नीड्स हो जाएगा ए बुक, कंप्लीट। नेक्स्ट है शीतल को मोबाइल की ज़रूरत है, तो इसमें शीतल हो जाएगा सबसे पहले यस डबल ई टी ए एल शीतल नीड्स एन डबल ई डी एस नीड्स अ मोबाइल एम ओ बी आई एल ई मोबाइल। तो इस तरह से ये नीड का हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब देखते हैं नीडेड, नीडेड मतलब सेकेंड फॉर्म इसी की पास्ट वाली। देखिए नीडेड ये है ज़रूरत या आवश्यकता, लेकिन यहाँ पर ई डी जब लग जाएगा नीड में तो यहाँ पर ज़रूरत थी, इसका मतलब हो जाएगा ज़रूरत थी, तो हमें इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा सेकेंड फॉर्म, और लास्ट में जो पहचान होगी इसकी आवश्यकता थी ज़रूरत थी, तो इस तरह के सेंटेंस होंगे।
तो इसमें पहला सेंटेंस लिखा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। मुझे के लिए आई यूज करेंगे नीड, NEED लगाइए, नीडेड हो जाएगा आपके सपोर्ट की। तो योर सपोर्ट, SUPPORT कंप्लीट। नेक्स्ट, मुझे कार की ज़रूरत थी, ये पास्ट की बात है, सेकेंड फॉर्म लगेगी, तो आई नीडेड ए कार, मुझे एक कार की ज़रूरत थी। अगला सेंटेंस है, रीता को पढ़ने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर रीता लिखेंगे, RETA रीता, और नीड लिखेंगे, इसकी सेकेंड फॉर्म नीडेड हो जाएगी, टू रीड, RED रीड, या स्टडी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हुई। अब नीड टू का यूज जब करेंगे, जब यहाँ पर एक्शन वर्ब के साथ हमें कोई काम करने की ज़रूरत होगी। तो इसका जो फार्मूला है, इसमें ज़रूरत है लास्ट में, इस तरह के वाक्य आएंगे। तो नीडेड टू इसलिए लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर नीड तो लगेगा ही और एक्शन वर्ब साथ में रहेगी, जाने की ज़रूरत है, तो हमें कुछ कार्य करने की ज़रूरत होती है, एक्शन वर्ब साथ में रहती है, तो हमें नीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। पहले सेंटेंस को बनाते हैं, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो आई लिख देंगे और फिर नीड टू लिखेंगे, NEED नीड टू, जाने की ज़रूरत है, तो गो देयर, ये प्रेजेंट वाले हैं इसमें, और पास्ट के होंगे तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगेगी। अगला है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, तो यू लिखेंगे नीड, NEED नीड टू साथ में आ जाएगा, काम करने के लिए होती है वर्क, WORK, तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क। लिखा है उसे खाना खाने की ज़रूरत है, तो इसमें ही लिख देंगे, ही के साथ इसमें यस लग जाएगा, ये नीड्स टू हो जाएगा, तो NEED ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस जुड़ जाता है, नीड्स टू ईट, आगे चाहे तो फूड भी लिख दीजिए, खाना खाने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू ईट फूड। तो इस तरह से नीड टू का हमने कॉन्सेप्ट बताया। अब देखते हैं नीडेड टू का। नीडेड टू का यूज हमें पास्ट में यूज करना होता है, इसके लास्ट में ज़रूरत थी या आवश्यकता थी, ऐसे वाक्य आएंगे, इसमें सब्जेक्ट शुरुआत में रहेगा, फिर नीडेड टू यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट की वजह से ED लग गया है, तो बीता हुआ काम है, तो एक्शन वर्ब साथ में रहेगा, मुझे वहाँ आने की ज़रूरत थी, ये ज़रूरत पहले थी अब नहीं है, पास्ट की बात है तो ED लगाइएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आई नीडेड, NEED नीडेड टू कम हेयर, ये है पास्ट वाला। नेक्स्ट है, मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई नीडेड टू, नीडेड टू के बाद स्पीक आ जाएगा, SPEAK स्पीक इंग्लिश, ENGLISH कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस है, उसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, तो उसे के लिए ही लिखेंगे, ही नीडेड, NEED यहाँ पर यस या यस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, क्योंकि यह है पास्ट वा, तो यहाँ पर यस नहीं लगाया जाएगा, ही नीडेड टू प्रैक्टिस, PRACTICE प्रैक्टिस मीन्स ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने पूरे वांट और नीड के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हमने सॉल्व करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।